So right now we got a Porsche to look at. Saturday Sportings, I guess. So we are chasing that right now. Nice. तो ये व्लॉग अभी से ऑफिशियली शुरू है, चालू है, स्टार्ट है. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आज मैं और मेरा दोस्त जो है बांद्रा लिंक रोड जा रहे हैं. एंड द रीज़न बिहाइंड गोइंग देयर इज़ वी आर गोइंग टू टेस्ट राइड इंडिया फास्टेस्ट स्कूटर. येस, नॉट इन टर्म्स ऑफ हाई स्पीड बट इन टर्म्स ऑफ 0 to 60 एंड 0 to 40. एंड दिस बाइक इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बाइक. एंड अभी इसका लॉन्च हुआ है. गाड़ी अभी मार्केट में आई है. इसका डिलीवरीज मुंबई में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है बट दे हैव स्टार्टेड द टेस्ट राइड्स. सो हम लोग जा रहे हैं लिंकिंग रोड. वी आर ऑन बांद्रा रिक्लेमेशन रोड एंड वी जस्ट पास्ड बाय द व्यू ऑफ बांद्रा वोली सीलिंग एंड वी आर एंटरिंग इन टू बांद्रा. ओके मैडम, सो एस वी रोड पर टर्न करेंगे. आई लव बांद्रा एंड या हियर वी आर. अरे यार राइट. So after all the struggle we have finally arrived at the Ather showroom. And showroom ko dekh ke to pehle hum log dar gaye ki bhai band kyu hai. And hum logo ko laga tha bhai itni mehnat jo hai wo bekar ho jayegi. But no, I guess showroom ban raha hai. So here are the bikes and here is our showroom. Test ride wali bike jo hai wo abhi koi lekar gaya hai, so it is not here. But yes, you can see अंदर भी गाड़ी पार्क्ड है. सो फर्स्ट ग्लांस दिस थिंग लुक्स गुड. एंड या जब गाड़ी आएगी सो विल राइड. Been given instruction about bikes, the software of it, and everything has been guided to me. And now is the time to ride this thing. So Poonam right here is like very sweet to us and have explained everything about the bike, from battery to sensors to everything. So yeah, now is the time to ride for us, and let's see how this thing performs. So this is the dashboard, and yes. Okay, so press brake. Yeah, motor is off. Here it says motor is on, you will not feel anything. So let's ride. Dude, jaise hum log dhakka dete na gaadi ko, it feels like that initially. And of course we will see. मैं आप लोगों को इसका जो भी लाइक थिंग है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बट फॉर नाउ इट इज लाइक दिस. एंड इट साउंड्स प्रिटी गुड. फ्यूचरिस्टिक है, साउंड काफ़ी अच्छा है. एंड खड़े रहने पे आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी चालू है या नहीं है. सो दैट्स अ प्रिटी गुड थिंग अबाउट दिस. निम्बल है गाड़ी, काफ़ी निम्बल है. एंड यू कैन रिलाय ऑन इट. गाड़ी का वेट है तो इट फील्स प्लांटेड. एंड एज यू कैन सी इट राइड्स प्रिटी वेल. सो एंड येस, आगे पीछे दोनों इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स हैं, तो यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट ब्रेकिंग बिकॉज इट गोज प्रिटी फास्ट. सो एज आई सेड अर्लियर कि ये गाड़ी जो है इट कम्पीट्स विथ एंटॉर्क 125, द फास्टेस्ट स्कूटर राइट नाउ. डैशबोर्ड लुक्स वेरी वेरी क्लीन, वेरी क्लीन.
एज यू कैन सी इतने से ही रोड में मैं 55 टच कर चुका हूँ. सो दिस थिंग इज प्रीटी गुड. मिरर्स आर गुड. दिस थिंग वी हैव अ मोड बटन फ्रॉम स्पोर्ट्स. आई शिफ्टेड टू वॉप. सो वॉप इज बेसिकली द फास्टेस्ट मोड इन दिस मोटरसाइकिल. येस इट हैज़ अ वॉप मोड विच इज़ द फास्टेस्ट एंड यू विल ऑब्वियसली डेप्रिशिएट योर बैटरी लेवल मोर इन दिस वन. एंड येस मैन सी इट्स अ हेड टर्नर एंड एवरीथिंग. एवरीबडी ऑन द रोड विल लुक एट यू दैट वॉट बाइक इट इज. सो वी आर ऑन वॉप मोड. विल चेक के कितना फास्ट जाती है. सो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा. थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ. आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कैसा वर्क कर रही है. सो या हियर यू हैव द चार्जिंग सॉकेट. लेट्स गो. सो वी आर एट 13 फुल थ्रॉटल. इट गिव्स यू अ गुड थ्रस्ट मैन. इट गिव्स यू अ गुड थ्रस्ट. एंड वी आर ऑलरेडी एट 66. एंड इफ यू विल सी नोटिस नाउ आई एम गिविंग अ थ्रॉटल. 3, 2, 1. Whoa! It kicks you back. It kicks you back like a normal petrol engine. So, and brakes are good. Brakes are good. Both up front and back, both are disc brakes. And the tire seems to be pretty sticky. I guess it has a MRF tire on it. And it charges from 0 to 60 in 4.5 hours. 0 to 100 in 4.5 hours. And it charges at 0 to 70. In about 3.5 hours to 4 hours. So warp mode. So as you saw, I was like sprinting. It is a Hero Honda Splendor. So this thing is fast. And I forgot where the showroom was. Yeah, here it is. And if you like have parked the bike, if you want to cut off this engine and switch off the bike, you just have to press this, motor off, and you are good to go. So basically this is the dashboard of it. All the functions come from here. Settings, errors, documents bhi aap upload kar sakte ho from the Ather mobile app. And if you are leaving the bike for almost 2 days, 3 days and it won't be used much, then you can shut down the bike and it will preserve your battery. So that's that. Errors, any errors, if it is, then you have plenty of modes. Incognito mode where it will not be tracked by anyone. Agar aap mummy ko jhoot bol ke bahar ja rahe ho, toh it will be helped. And char modes hai. We were on warp mode right now. Sport hai. Ride mode hai. And efficiency mode hai. Eco mode as they say. Iske andar aapko gaadi ka maximum battery efficiency milega. So average speed you rode, trip meters, and all this console is touch. So you can go to maps. Man, this thing is loaded. I'm saying you, this thing is loaded. You have a hook right here, your charging socket. Currently we are in BKC and heading towards our homes. So Ather ka test ride was good. People there were very supportive and very kind. So what's the final conclusion? Should you buy this bike? I would say, ruko zara, sabar karo. Agar aapke paas mein 2 lakh rupaye ghar mein pade hue hain, to and you want your electric bike as soon as possible, then you should go for it. But I would say ke thoda sa wait karo, because this technology is yet to be developed and it has not become mainstream as our petrol engines. So it will become more advanced in coming times. So as far as this bike is concerned, I don't think this is the right time to buy Ather 450X. Reason being, in Mumbai, the on-road price is 1.72 lakh rupees, which is very expensive. Then you have a subscription plan, quarterly subscription plan, which will cost you additional 2,400 rupees in Mumbai. And then you have your half-yearly maintenance, which will cost you ₹1,500. And then electric charges as per authority. So, subscription plan will include roadside assistance, your maps, if you need pick-up and drop of your vehicle, immobilization, and these are sort of things.
सो 80 किलोमीटर्स में आप बहुत दूर का लॉन्ग राइड तो करने वाले हो नहीं, सो मैप्स यू विल नॉट रिक्वायर एज मच, एंड पिकअप एंड ड्रॉप दैट इज हेल्पफुल, एंड रोड साइड असिस्टेंस यू वॉन्ट नीड बिकॉज 80 किलोमीटर की रेंज में आप कितना दूर चले जाओगे. सो आई वुड से थोड़ा सा वेट करना वुड बी अ गुड चॉइस रादर देन बाइंग दिस बाइक राइट नाउ, बिकॉज इन फ्यूचर होपफुली दिस टेक्नोलॉजी विल डेवलप एंड वी कुड सी बेटर सब्सक्रिप्शन प्लान्स एंड बेटर ऑन रोड प्राइस फ्रॉम एथर. फिंगर क्रॉस्ड. इसी नोट पे ये वीडियो को क्लोज करते हैं, एंड आप लोगों को पसंद आया है तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.